बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो ये व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ नए व्लॉग ही करते हैं स्टार्टिंग। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शुक्रिया। और आज जैसे आपने देखा कि अभी अपने इफ्तारी की तैयारी करें और आज की जो इफ्तारी है वो अम्मी स्पेशल इफ्तारी है। और बस अभी आज अम्मी की जो फेवरेट डिशेज बनी है इसीलिए आज का जो इफ्तारी का नाम है वो अम्मी स्पेशल इफ्तारी है। आज दो डिशें बनी है घर पे और वो दोनों अम्मी की फेवरेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी। और सबसे पहले आप देख रहे हो जो अपना हलवा, हलवा किस चीज़ का, ये गेहूँ का हलवा, गेहूँ के आटे का हलवा ये बना हुआ है। और इसके अंदर है जो अपने सिंपल चावल बॉयल, जो अपने बॉयल चावल होते हैं सिंपल, ये आप देख रहे हो सिंपल चावल। और ये दोनों को मिक्स करके खाने में मेरी अम्मी को काफ़ी मज़ा आता है, तो इसीलिए जो आज की इफ्तारी है वो अम्मी स्पेशल इफ्तारी है। बाकी अभी अपने अपने प्लेट तैयार करते हैं भाई के लिए, मुनाफ भाई के लिए, क्योंकि उनका भी रोज़ा होता है तो वो हमारी शॉप पर ही है। तो अभी अपने उनके लिए प्लेट तैयार करके ले जाएंगे फ्रूट वगैरह की और फिर अपने वो इफ्तारी दुकान पर कर लेंगे। तो बस अभी उनके लिए प्लेट तैयार करते हैं। और अभी बाइक का प्लेट देख रहे हो और इधर अपने हलवा भी डाल लिया इसके ऊपर। और अभी अपने इसको कपड़े से कवर कर देते हैं और उनके लिए एक पानी की बोतल, और ये पानी की बोतल लेके जा रहे हैं अभी अपने शॉप पे। और अभी इफ्तारी के अंदर सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं तो इसीलिए अपने भाई को पहले देने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर अपने अपनी खुद की प्लेट तैयार करेंगे घर पे आके। और अभी भाई वजू वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे और अपनों ने भाई की जो प्लेट है वो यहाँ पे रख दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी प्लेट है वो भी तैयार हो चुकी है। और मैं तो जैसे आपको पता है कि शो पे गया हुआ था और पीछे दी, उन्होंने ये भी तैयार कर दी है अपनी, क्योंकि अभी जो वक्त है वो थोड़ा कम लग चुका है, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं इफ्तारी में, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया अपने आज। और अभी जैसे आपने सुना कि मगरिब की अजान भी हो चुकी है तो अभी अपने मस्जिद के अंदर जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो नमाज़ है वो अदा कर ली और अभी अपने जा रहे हैं घर पे। तैयारी के लिए सिर्फ अपने को एक मिनट मिला था क्योंकि 53 पे तैयारी हुई थी और 54 पे अजान हो गई थी, फिर अपने घर से रवाना हो गए थे मस्जिद के लिए। और इसीलिए अपनों ने बिल्कुल खजूर वगैरह और एक आधा फ्रूट खाया और अभी अपने फिर से घर पे आ चुके। और अब अपने आराम से बैठ के डिनर करते हैं, मतलब डिनर या ये रात का डिनर। और आज अपने डिनर में है जैसे आप देख रहे हो चिकन और बाकी अपने सैलड भी है और इधर अपनी रोटी। और अभी अपने करते हैं बिस्मिल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनों ने डिनर कर लिया और अभी अपने जा रहे हैं किधर। बाकी हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही है और ऊपर से मेरे को जुकाम भी है आज सुबह से, तो फिर मेरे को तो काफ़ी ठंड लग रही है अभी। बाकी ऐसे फील आ रहा है जैसे जनवरी का महीना चल रहा है। और जो अभी टाइम है वो 8:30 बज चुके हैं और अभी मैंने वजू भी कर ली है और अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर ईशा और तरावी की नमाज़ अदा करने के लिए। बाकी आज जब मैं सहरी के वक्त उठा था तो मेरे गले के अंदर मेरे को ना हल्की फुल्की खराश लग रही थी, लेकिन आज वो दिन के अंदर ना वो खराश जुकाम के अंदर कन्वर्ट हो गई है और अभी मेरे को जुकाम हो रखा है और अभी जुकाम और ज़्यादा ना बढ़े, बस मेरी यही दुआ है, क्योंकि रोज़ों के अंदर अगर जुकाम होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। बाकी अभी अपने नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। जुकाम होने का भी एक रीज़न है और वो क्या रीज़न है वो मैं आपको जब अपने तराबी की नमाज़ अदा करके कर पाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है उसके पीछे, जुकाम मेरे को कैसे हुआ। तो
और अभी टाइम 10:05 हो चुके हैं और त्राबी की नमाज़ अदा कर ली हमने और बाकी ये मुनाफ भाई भी त्राबी की नमाज़ अदा करके घर पे जा रहे हैं और बाकी इधर अपने शाह रसूल भी थे और मेरे अबू भी पीछे आ रहे हैं और अभी अपने घर पे तो आ चुके हैं। लेकिन जो जुकाम ने मेरे को त्राबी के अंदर तंग किया तो आप पूछिए मत, बस अब नाक से पानी मेरे मतलब आने लग गया था जुकाम वाला, तो फिर बारी बारी मेरे को हैंकी से साफ़ करना पड़ता और फिर थोड़ी सी दिक्कत रही मेरे को त्राबी के अंदर। बाकी जो जुकाम के मेरे दो कारण हैं मेरे हिसाब से, सबसे पहला कारण ये है कि कल जब मैं त्राबी पढ़ने गया था ना तो एक मेरे साथ भाई रुके हुए थे और उनको भी जुकाम था और उनको मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हुआ यार ये मेरे साथ में है मेरे को जुकाम ना हो जाए, क्योंकि एक जुकाम ऐसा डिजीज़ है जो एक दूसरे से मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है। फिर मेरे ना मन के अंदर वहम है तो फिर पता नहीं वो वहम मेरा कारण बन गया जुकाम का। या दूसरा कारण है कि जब मैं त्राबी की नमाज़ पढ़ के आया ना घर पे तो फिर फ्रीजर के अंदर रियल जूस पड़ा था और वो ठंडा भी था तो मैंने पी भी लिया और मेरी अम्मी को पता नहीं इस बात का कि मैंने वहाँ से जूस निकाल के पी लिया, नहीं तो अगर अम्मी को पता होता तो अम्मी तभी मेरे को डांटती कि अभी आप ठंडा जूस पी रहे हो अभी आप त्राबी से आए हो। तो मेरे हिसाब से या उसकी कोई दिक्कत हो सकती है, इन दोनों में से एक कारण से अपने को जुकाम हुआ है ये तो कन्फर्म है। ये अभी अपने आ चुके हैं घर पे जैसे आप लोग जानते भी हो और अभी बस मेरे को नींद आ रही है, अभी मैं टेबलेट्स वगैरह ले लेता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। इंशाल्लाह आप सभी को सहरी वाला टाइम मिलते हैं, गुड नाइट बाय बाय। और अभी सोने से पहले आप देख सकते हो कि घर वालों ने मेरे लिए आटे उबाल रखे थे और अभी बस अपने इनको खा के और फिर सोएंगे और इनसे भी जुकाम काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी जो टाइम है वो 7:35 हो चुके हैं सुबह के और अभी जैसे आप देख रहे हो कि रोज़ की तरह मैं हमारे पंप से घर की तरफ जा रहा हूँ और अब मेरी हालत कुछ बेटर है आगे से, बाकी इतनी बेटर नहीं है, सहरी वाली टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी लेकिन उसके बाद फिर टेबलेट वगैरह ली और उसके बाद में अभी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हालत आगे से काफ़ी बेटर है। और अभी टाइम 1:20 हो चुके हैं और आज जुमा का दिन है तो आप सभी को जुमा मुबारक और अभी अपने जा रहे हैं जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर। और बाकी अभी भी मेरी हालत जुकाम वाली है, सबसे गंदा जो मेरे को लगता है ना वो जुकाम ही लगता है, जुकाम बंदे को ना निचोड़ सा देता है। चलो बाकी अपनी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज अगला दिन है जैसे आप देख रहे हो और कल जब अपने जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद में तो मेरी एकदम से अपनी तबीयत को क्या हो गया, पूरी ठंड लग रही थी और फिर एकदम से मेरे को बुखार भी आ गया था तो इफ्तियारी तक मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी डाउन रही। उसके बाद इफ्तियारी करने के बाद फिर मैंने मेडिसिन ली और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फ़र्क पड़ लगा मेरे को और उसके बाद फिर सहरी के अंदर भी मैंने टेबलेट ली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी बस अब्बू का फ़ोन आया था कि आप बाइक लेके जाएं और हमने गेट बनवाने के लिए दिया हुआ था मिस्त्री को और आप वो गेट लाएं उनसे, तो अभी बस अपने जा रहे थे बाइक लेके और साथ में वो मिस्त्री जा जाएंगे और अपने वहाँ से गेट उठा कर दूसरा वाला बाइक लेके जाएंगे, अपने वाला बाइक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उस पर गेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इस पर अपने आसानी से रख लेंगे। बाकी अभी अपने चलते हैं मिस्त्री शॉप पे। ये आप गेट देख सकते हो, ये गेट है अपने और ये कहाँ पर लगाएंगे वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। और ये गेट अपने रख लिए हैं जैसे आप देख रहे हो पीछे और अभी अपने यहाँ से पहले चलते हैं शॉप पे, वहाँ पे अपने वेट करवाएंगे इसका जो गेट का, उसके बाद फिर अपने आगे जाएंगे घर पे और जहाँ पे लगवाने वहाँ पे लगवाएंगे। अभी बस अपने वेट करवा रहे हैं यहाँ पे इनका। और और अभी ये गेट है वो अपने घर पे आ चुके हैं जैसे आप देख भी रहे हो, ये लगे कहाँ पे वो आपको दिखा देते हैं जगह का गेट और एक इसका गेट, ये मशीन का मतलब कुत्ते वाली जो हमने मशीन है जो चारे वाली, और ये वैसे अपनों ने एक बनाया मतलब एक स्टोर टाइप, एक यहाँ पे गेट लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा। बाकी अभी जो मिस्त्री हैं वो हैम्बर लेने के लिए घर पे गए और मेरे को भी जाना है। और अभी मैं नमाज जनाजा के अंदर क्या हुआ था तो अभी आप देख सकते हो कि जब अपने घर पे आए तो ये अपने गेट जो लग भी चुके हैं, ये देखो आप ये जो कुत्रे की मशीन का अपना गेट लग चुका है और इधर वाला अपना, इधर अपने देखें क्या करें आगे, अभी तक सोचा नहीं इस कमरे के अंदर अपने क्या करेंगे। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया और गेट काफ़ी अच्छे लग चुके हैं। और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलता है अगले ब्लॉग के अंदर। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।